वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस बेटा। हमारी सीरीज चल रही है किसकी? एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ कौन सी जो चैप्टर में अवेलेबल है? कौन से बेटा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का क्लास 10th, राइट। चलिए, ये हमने एक्टिविटी देखी थी, एक्टिविटी 1.7, जिसमें हमने देखा क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं 2 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं 1, तो हाइड्रोजन गैस भी हमें कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से क्या मिलेगी? डबल मिलेगी, ठीक है। यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कैथोड, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में देखो, यहाँ नजर आ रहा है आपको हाइड्रोजन गैस मिली और इस टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन गैस मिली। हम ये भी कह सकते हैं कि कैथोड जो रॉड है उस पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली और जो एनोड है उस पर हमें क्या मिला? ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.8, ऑलरेडी हम कर चुके, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड है, व्हाइट कलर, अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो किसमें हो जाएगा? वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या एग्जांपल है किसका? डीकंपोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.9, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या करना है? एक्टिविटी 1.9 में ध्यान से देखो, नंबर 1, 3 आयरन नेल्स, यानी कि 3 आपने कील ले ली इस तरीके से, ठीक है। एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या करेगा? उसके ऊपर अगर कोई भी लेयर है उसको रिमूव कर देंगे ताकि रिएक्शन इजिली हो सके, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करना है? दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, मार्क्ड एज ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब देखो, ये रही, ये दो टेस्ट ट्यूब ले ली, यहां पर ये ए है और ये क्या है? बी। और इसमें क्या हमने ले लिया? देखो ध्यान से, मार्क्ड एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml, कितना? 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि हमने क्या ले लिया? CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, ओके। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया हमने इस टेस्ट ट्यूब में, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब हमने ली, ए और बी, ए और बी टेस्ट ट्यूब ले ली, ए और बी, ठीक है। और दोनों में हमने क्या करा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक। अब टाई टू आयरन नॉल्स, जो तीन आयरन नेल्स थी उसमें से दो को हमने बांधा विद ए थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो बी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर 20 मिनट्स तक हमने उसको टाई करके छोड़ दिया, ठीक है। कीप वन आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, जो तीन आयरन नेल्स थी उसमें दो हमने यहां यूज कर ली और एक बची एक कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है? आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स, 20 मिनट के बाद इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आप आयरन नेल को बाहर निकालेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, जो ये ब्लू कलर है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर है इसकी इंटेंसिटी को कंपेयर करना है किससे? ये तो हमारी कौन सी है? देखो, ये हमारी है बी नंबर वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और हमें किससे कंपेरिजन करना है? ए नंबर की टेस्ट ट्यूब से, ठीक। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स, तो हमें दो चीजें यहां पर कंपेयर करनी है। पहला, इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। दूसरा, कलर ऑफ द आयरन नेल्स, नंबर 2। ठीक है, कलर ऑफ द आयरन नेल्स, ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, दो चीजें हमें यहां पर देखने। तो हमने क्या करा था? थ्री आयरन नेल्स ली, दो टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें ए और बी हमने मार्क करा, बी नंबर ये है, क्लियर। इस बी नंबर में हमने दो नेल्स, आयरन नेल्स ली, टाई करा और उसको इमर्स कर दिया, कितने मिनट के लिए? 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसको निकाल लिया। एग्जैक्टली हुआ क्या है ध्यान से देखो, यहां देखो, आयरन नेल और ये वाली कौन सी है? आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
और यहां पर टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, ये कौन सा है? रिएक्शन मिक्सचर, जिसके अंदर रिएक्शन हुई, यानी कि टेस्ट ट्यूब बी जिसके अंदर हमने हैंग करी थी क्या, आयरन नेल्स। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां पर देखो, व्हाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश, कैसा कलर हो गया? ब्राउनिश हो गया, एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। तो दो पॉइंट आ गए यहां पर कि जो आयरन नेल है वो कैसे होगी, ब्राउनिश, ठीक है, और जो ब्लू कलर है वो क्या हो गया बेटा, फेड हो गया। ब्लू कलर कैसा हो गया, फेड हो गया, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है यहां पर। क्या आयरन ने किसको करा, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर हमें मिल गया बाहर, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, यानी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। कुछ एग्जांपल्स और हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर हमें मिल गया। सिमिलरली लेड कॉपर क्लोराइड के साथ क्या मिला, लेड क्लोराइड और कॉपर हमें यहां पर मिल गया। थ्री एग्जांपल्स है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, ये किसके एग्जांपल है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। और यही चीज अगर टू टाइम्स में हो, यानी कि अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जिसमें ये टू टाइम हो रहा है, यानी कि एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और दूसरा एलिमेंट उस पहले वाले एलिमेंट की जगह आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये कैसा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहां तक एक्टिविटी क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही जो मैं पहले बता रहा था आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कर रहे हैं, टेक अबाउट 3 ml, ये है एक्टिविटी 1.10 यानी कि 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, क्या ले लिया आपने, सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में ये रहा सोडियम सल्फेट, इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम सल्फेट है, और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये रहा देखो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यहां पर क्या है, बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, देखो यहां पर सोडियम, यहां पर बेरियम, तो देखो ये BaCl2 यानी क्लोरीन के साथ बेरियम है, और यहां पर क्लोरीन के साथ क्या आ गया, सोडियम आ गया, यहां सल्फेट के साथ सोडियम है, तो यहां सल्फेट के साथ क्या आ गया, बेरियम, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां देखो बहुत ध्यान से, क्या यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, देखो वाइट सब्सटेंस बनेगा किसका, बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का क्या बन गया, वाइट सब्सटेंस बन गया, ठीक। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट बने, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स को एक ही एग्जांपल कवर कर रहा है, पहला क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा क्या है बताओ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जाए तो भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जाए तो भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं हम, एक्टिविटी 1.11 यानी कि 1.11 चाइना डिश, ठीक, एक आपने ये कटोरी जैसी क्या होती है, चाइना डिश होती है, इसमें क्या है, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम क्या ले लिया, कॉपर पाउडर 1 ग्राम ले लिया, यानी कि कॉपर। अब ऑब्वियस है यहां पर क्या है, एयर है, और एयर का मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कॉपर की रिएक्शन किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई, और हीट आप यहां से दे रहे हो, हीट आप नीचे से दे रहे हो, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुई बात? ठीक, इस एक्टिविटी में ये क्या है, कौन सी एक्टिविटी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक्टिविटी है। अगर फिर से हम क्या करें, कॉपर ऑक्साइड में फिर हाइड्रोजन सप्लाई कर दे, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कॉपर ऑक्साइड जो है उसके अंदर हमने क्या करा, हाइड्रोजन पास कर दी, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, यानी कि जो ब्लैक कोटिंग है कॉपर ऑक्साइड की वो कैसे हो जाएगी, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि हमें अगेन यहां पर क्या मिल गया, देखो कॉपर और यहां पर क्या, वाटर। क्लियर? तो कॉपर हमें वापस मिल गया, यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो गई। ठीक, बात समझ में आई? वेरी गुड। अब देखो रिवर्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो ये बेटा कौन सी है, रिडक्शन, बोलो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये रिडक्शन रिएक्शन, ये है एक्टिविटी 1.1। बहुत बढ़िया। अब ये है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 1, लेकिन अभी हम ये नहीं करेंगे। इस सीरीज में यानी कि जो एक्टिविटीज हमने कराई, इस पर हमने दो क्लासेस ली, एक इससे पहले और एक ये वाली। इसमें हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम और सारी एक्टिविटीज को कवर करा, और किस एक्टिविटीज में क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।